चाहिए। ये क्वेश्चन देखो सीधा सीधा मॉड का जिसको प्रॉपर्टी मालूम है उससे बन जाना चाहिए। जीरो से थ्री तक इंटीग्रेशन पूछा है, लेकिन जो मॉड के अंदर है वो कहां ब्रेक होगा बस ये पता करना है। तो मॉड के अंदर कौन है क्वाड्रेटिक, कौन सा क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ठीक, अब तुम इसको सॉल्व करोगे अगर तो इसका फैक्टर कौन होगा, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। तो क्या तुम इस क्वाड्रेटिक को नहीं जानते, ये अपना एफएक्स है जिसका इंटीग्रेशन होना है। तो इस एफएक्स के बारे में बात मत करो, इस एफएक्स के बारे में अगर जानना है कि कहां पॉजिटिव होगा कहां नेगेटिव होगा तो नहीं जानते, नहीं जानते कैसे जानेंगे इस बात को। अगर साइन स्कीम भी लगाओगे तो वन टू इधर साइड पे पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, मतलब इस क्वाड्रेटिक का नेचर ऐसा है, समझ लीजिए बात। मतलब वन से टू के बीच में फंक्शन क्या है, नेगेटिव है। वन से पहले क्या है फंक्शन, पॉजिटिव है, और टू के बाद क्या है, पॉजिटिव है। तो इस जो इंटीग्रेशन है 12 इनटू 0 से 3 गया तो पहले 0 से कहां जाओगे, 1 जाओगे, क्योंकि 1 पे रुक रहा है, फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। तो 0 से 1 जाएंगे, और 0 से 1 में ये दिया हुआ फंक्शन पॉजिटिव है तो ऐसे ही डायरेक्ट निकल जाएगा बिना माइनस का, कोई दिक्कत है। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू पूछा है जेई मेन में है तो लेवल नहीं ना इस क्वेश्चन का, इसी साल का है, किसी शिफ्ट में आया हुआ। प्लस अब वन से टू जाओगे तो फंक्शन क्या है तुम्हारा, नेगेटिव। तो वो जो मॉड से निकलेगा वन से टू के बीच कैसे निकलेगा, माइनस साइन लेके निकलेगा। अगर मॉड एक्स को हम तोड़ते हैं और एक्स अगर नेगेटिव होता है तो कैसे लिखा था, माइनस एक्स। तो उस फंक्शन को जब तुम बाहर लाओगे तो एक माइनस लेके निकलेगा, तो माइनस यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। वो जो माइनस लेके निकलेगा बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब फिर टू से आगे चले जाओ तो अगर टू के आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा फंक्शन, टू के आगे भी पॉजिटिव है। तो टू से लेकर के थ्री तक चलो ऐसे ही फंक्शन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब ये तीन इंटीग्रेशन है और तुम लोग मुंह देख रहे थे, ठीक है, कहने के लिए खाली बस ऐसे ही है। जितना बार मॉड को तोड़ने रोज बताते हैं क्वेश्चन, मॉड को कैसे टूटता है, मॉड कहां कहां टूटेगा ये तुमको, जैसे ही मॉड के अंदर में क्वाड्रेटिक है तो उसका देख लो तुम कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव है। इतना देखने के बाद हमसे बस यही बात किए थे क्या, ऐसे किया था, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो 12 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और टू का इंटीग्रेशन टू एक्स। इसमें लिमिट में क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, ठीक। अब माइनस, अब फिर इस एक्स स्क्वायर का भी एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस थ्री एक्स का थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स और इसमें जाकर के 21 रख दो, प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स और इसमें जाकर के 32 रख दो। ये लिमिट रखना है बस, तो 12 इंटू अब इसमें 1 रखे जाके तो 1 रखोगे तो ये 1 बाई थ्री ये हो जाएगा तुमको 3 बाई टू ये हो जाएगा 2। 0 रखने पर ये पूरा पूरा 0 हो रहा है, सब में x है माइनस। अब इसमें 2 रखो तो 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 रखने पर ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 बाई थ्री है, यहाँ 2 रखेंगे तो 4 इंटू थ्री 4 इंटू 12 बाई टू 6, यहाँ 2 रखोगे तो 4 2 रखने पर आया 1 रखते हैं इसमें 1 रखोगे तो ये 1 बाई थ्री ये हो जाएगा माइनस 3 बाई टू और ये हो जाएगा प्लस 2, ये एक साथ कर दिए दोनों। फिर प्लस अब इसमें 3 रखो 3 रखोगे तो 27 बाई थ्री 9, फिर इसमें 3 रखो तो माइनस 27 बाई टू, ठीक लिख रही है, और फिर उसमें 3 रखो तो 6। अब यही कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो जाएगा तो गलत हो जाएगा बस, ठीक है। अब 2 रख दो यहाँ पे तो 2 का क्यूब 8 बाई थ्री, फिर यहाँ 2 रखो तो 12 बाई टू 6 और फिर यहाँ 2 रखो तो 4। इसको केवल तुमको सॉल्व करना है, काम खत्म। अब एक बार ये अच्छे से देख लो कि कोई डायरेक्ट कट रहा है तो उसको वहीं काट देते हैं, जैसे यहां माइनस 8 बाई 3 है वहां भी माइनस 8 बाई 3 है तो नहीं कट रहा है, और कोई यहां पे माइनस 3 बाई 2 है और यहां पे माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस 3 बाई 2 है तो भी नहीं कटेगा। पूरे सॉल्व भी कर देते, पूरे सॉल्व कर दो, सबको सॉल्व करना है। 12 इंटू इसको सॉल्व कर लो, वही तो कर लो सॉल्व,
स्मूथ आंकड़ा है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या बताएंगे, सॉल्व करें क्या कोई इसको 11 by 6 माइनस जीरो, खत्म करो जीरो को, फिर ये माइनस माइनस इसको सॉल्व किया क्या 5 by 6, लिखना गलत ना हो जाए क्योंकि 8 by 3 minus 2, एक बार चेक कर लेते हैं 8 by 3, ये 8 by 3 या माइनस 2, तो 8 में से 6 जाए तो 2 by 3 होना, कहां से 5 by 6 आ रहा है, इसको इसको केवल इसको वही तो क्यों बोल रहा है, मतलब 2 by 3 माइनस, अब इसको सॉल्व करो, ये चीज तो यहां था 11 by 6 ही आना चाहिए, ये वाला देखो जो यहां है वही यहां है सेम टू सेम, इसलिए वो अगर ये 11 by 6 है तो वो भी 11 by 6 आया, इसके बाद बात कर रहा हूं, ये 11 by 6 ही है ना, बहुत सही, क्या मस्त है 5 by 6, तो ये भी 5 by 6, चलो ठीक है प्लस, अब वो प्लस इसको सॉल्व किया क्या, ये 15 हो जाएगा 9 और 6 15 माइनस 27 by 2, मूर्ख ये कितना हो जाएगा माइनस 3 by 2 हो रहा है, तो 3 by 2 कुछ भी बोलता है जबरदस्त है रे, प्लस 3 by 2 माइनस, अब इस दो तीनों को सॉल्व कर लो 8 by 3 minus 2 तो 2 by 3, तो 2 by 3, अब इसको तुम अंदर सॉल्व कर लो जहां जिसको सॉल्व करना, ये हो जाएगा 12 into 5 by 6 दो बार, ये 5 by 6 माइनस माइनस प्लस 5 by 6 2 5 by 6 तो 5 by 3 5 by 3, ये माइनस 2 by 3 फिर से माइनस 2 by 3 माइनस 4 by 3 माइनस 4 by 3 और क्या बच रहा है 3 by 2 बच रहा है प्लस 3 by 2 ठीक, ये बच रहा है तो 5 में से 4 1 by 3 12 into 1 by 3 प्लस 3 by 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 into 3 और 2 का एलसीएम 6 और ये हो जाएगा 3 into 6 2 प्लस 9 ठीक, तो 6 से 12 कटेगा 2 तो ये हो गया तुमको 11 into 2 22 ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी देखो मॉड का इसी साल आया हुआ 2023 माइनस 0.15 फिर मॉड के अंदर में, अब तुम ये मत समझना कि पूछा हुआ भारी है, बस इतना ही हम बोल रहे हैं, हम तुमको ये बता रहे किस साल क्या पूछा था ताकि तुमको ये लगे कि यही पूछा था, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बोल रहे क्वेश्चन ला रहा ठीक, इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है k by 3000 इफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज k by 3000 ठीक है, देन वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या है, ये भी इसी साल का है, तो फिर मॉड के अंदर में जो है उसको देखिए, उसका फैक्टर करो, क्वाड्रेटिक है, फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला सिस्टम देखो कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव है, ये भी इसी साल का है, जो मॉड के अंदर में है वहां क्या लिखा हुआ है 100x² - 1, इसका फैक्टर क्या होगा 100x² मतलब 10x² - 1 का स्क्वायर, a² - b² करोगे तो क्या लिखोगे, ताकते क्यों हो, बस ताकना आता है, इसका दो फैक्टर आया, यही है अपना फंक्शन, इसका साइन स्कीम अगर देखना है तो ये कहां जीरो होगा भाई, एक्स निकालोगे तो क्या निकलेगा 1/10, क्या होता है 1/10 0.1, अब उसको जीरो करोगे तो -0.1, इधर पॉजिटिव होगा कि नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो तुमको ये बात पता चल गया कि साइन उसका ऐसे ऐसे चेंज होना है, तो तुमको क्वेश्चन वाला बोल दिया कि -0.15 से लेके +0.15, पहले तो ये चेक करते तुम कि ये इवन है कि ऑड, क्योंकि माइनस से प्लस में अगर ये ऑड होता तो आंसर, लेकिन ये इवन है क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम इसमें एक काम कर लेंगे, पहले ही बात हम इस k by 3000 को भूल जाए,
हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देंगे और फिर के बाय 3000 के बराबर करके के निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे ही देखेंगे तो कि ये इवन फंक्शन है तो क्या करोगे, 2 × माइनस से प्लस में नहीं करेंगे, अब 0 से 1.5 में जाएंगे और 100x² - 1 dx। एक ये प्रॉपर्टी लग गया पहले। अब 0 से 1.5 जाना है तो नेगेटिव को तो भूल जाओ, 0 कहीं यहां है, तो 0 से 0.1 तक नेगेटिव नेचर है। अब 0.1 के बाद तो पहले 0 से कहां जाओगे, 0.1 तक। अब 0.1 तक इसका नेचर कैसा है, तो ये माइनस के साथ निकाल दीजिए, मतलब 100x² - 1 को 1 - 100x² लिख दो, कोई दिक्कत। अब हम कहां से कहां जाएंगे, 0.1 से 0.15 तक, क्योंकि उसके आगे तो जाना नहीं है, 0.1 से पूरा आगे थोड़ी जाना है, 0.15 तक। उस समय उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, तो ऐसे ही छाप दो 100x² - 1। क्या ये दो इंटीग्रेशन तुमसे नहीं बनेगा, 1 का होगा x, फिर यहाँ 100x² x³/3, फिर लिमिट रख के खाली कैलकुलेट काट कूट करो, बैठ के करो उसको। हम क्या करें इसमें, हम क्या करोगे, 2 × 1 का इंटीग्रेशन x, 100x² x³/3, इसमें रख देंगे हम 0.1 और एक बार 0, प्लस 100x² का फिर 100x³/3 माइनस 1 का x, इसमें रख देंगे 0.15 और इसमें रख देंगे 0.1। ये हो गया, अभी क्या कचरा कैलकुलेशन है, हम क्या कर सकते इसमें बताओ, है कि नहीं, थोड़ा पॉइंट पॉइंट में है। तो 2 × इसमें 1.1 रखोगे तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस 100 × 0.1³/3। 0 रखेंगे ही नहीं क्योंकि 0 रखने पर 0 ही हो जाएगा, हटाओ इसको, प्लस 0.15 रखेंगे यहाँ पे, तो 100 × 0.15³/3 माइनस यहाँ पे 0.15 रखेंगे। इसी को बोलते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, ये हो गया माइनस। अब 0.1 रखेंगे यहाँ पे, तो 100 × 0.1³/3 माइनस 0.1, ये हो गया, नहीं है आंसर इसका। सॉल्व करोगे तो ये आता है 575/3000, इसका आंसर आएगा। तो के की जगह क्या आ गया, तो आंसर 575 है, ठीक है, आंसर 575 है। जैसे यहां लिखा हुआ है sin²x और यहां लिखा हुआ है sin³x, ये cos³x dx, 0 से π/2 में, क्या होगा आंसर। तो कैसे बनाते थे, पहले इस दोनों को जोड़ दो, 3 + 2 क्या होगा, 5, और दो दो घटाते जाइए, 0 पे नहीं जाना है, 0 से पहले रुक जाना, ठीक है। अब फिर ऊपर वाला एक पावर 3 ले लो, 3 से एक कम ले लो, 3 से कम क्या होगा, 2, और 2 से 2 घटाते जाना था ना, तो 2 घटाने के बाद वो 0 ही हो जाना, तो नहीं घटेंगे, 0 नहीं जाना, तो ये हो गया। अब इसका भी एक घटा दो, इस 2 को एक घटा दो तो 1 ही होगा, इससे भी घटेंगे नहीं, ये हो गया। और एक ऑड है तो क्या इंटू कर देंगे इसमें, π/2, ये आंसर है, 2 और 2 कट गया, यानी कि π/15 आंसर, ठीक। क्या बोल रहे हैं, दोनों इवन वाले में π/2 करते हैं, तो π/2 नहीं करते हैं, अगर एक भी ऑड आ गया तो आंसर कितना हो गया, 2π/15, ठीक है। अगर यहाँ पे भी इवन नंबर आ जाता था तब हम π/2 इंटू करते। अब जैसे हम ये समझाए थे कि अगर मान लो साइन पे पावर 5x है और 0 से π/2 है, अब पावर 5 है, ठीक है, 0 से π/2 में है, अरे बोलो मनीष इसका आंसर बोलो क्या होगा। तो डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, हम जो इसमें जो पावर है उसको शुरू करते हैं नीचे से 5, फिर एक घटाओ, फिर एक घटाओ, फिर एक घटाओ, फिर 1 तक जाना, ये आंसर हो गया 8π/15। ये जैसे लिखो -π/4 से π/4 x + π/4 डिवाइडेड बाय 2 - cos²x dx। देखो ये भी इसी साल का है, ठीक है, लेकिन एकदम आसान है। सबसे पहले क्या चेक करोगे,
और है कि नहीं? और तो नहीं है, है क्या और? क्योंकि अगर x की जगह माइनस x होगा तो ओवरऑल फंक्शन के बाहर माइनस तो आता नहीं, सिर्फ इसमें आता। अगर ये भी माइनस हो जाता पाई बाय 4 तब ना ओवरऑल के बाहर माइनस होता। तो ओवरऑल फंक्शन के बाहर अगर माइनस आ जाए, कॉस तो चेंज होता नहीं है माइनस रखने के बाद, कॉस में माइनस रखो तो चेंज नहीं होता। लेकिन ये वाला के बाहर आ जाए केवल x अगर होता, अगर ये पाई बाय 4 नहीं होता तो समझ लो डायरेक्ट। तो तुम ये भी कर सकते हो कि अलग अलग कर सकते हो, x डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos 2x प्लस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos, दो इंटीग्रेशन ले आए, ये दो और माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। अब ये वाला हो गया ऑड। क्यों ऑड हो गया ये? क्योंकि इसमें अगर x की जगह माइनस x रखोगे तो माइनस यहां बच जाएगा, cos में माइनस टूट ही जाएगा, तो केवल माइनस एक बाहर आ रहा है मतलब ऑड है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो केवल वो वाला इंटीग्रेशन पर हमको फोकस कर देना, ठीक है। अब ये इसी साल का क्वेश्चन है, अब हमको स्थिर से देखना पड़ता है। जैसे हमको मन में हमेशा आता है जब माइनस से प्लस में चेक करना हो तो ऑड इवन चेक करते हैं, क्योंकि अगर ऑड पकड़ा गया तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलो इसको हटाते हैं, बच जाएगा वो वाला पाई बाय 4 एक कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 और dx डिवाइडेड, देखो ये पाई बाय 4 को निकाल लिया तो dx डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos 2x। अब यहां से तुमको क्या पता चल रहा है? ये फंक्शन इवन है आपको जहां तक लग रहा है, क्योंकि यहां पे x की जगह माइनस x रखेंगे तो कोई चेंज होगा नहीं। तो जब इवन फंक्शन होता है तो क्या होता है, हम माइनस से प्लस में नहीं करते हैं, जीरो से प्लस में करते हैं और डबल कर देते हैं। तो पाई बाय 4 तो है ही, 2 इंटू पाई बाय 4 कर दो और ये हो गया dx डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos 2x, कोई दिक्कत? और ये वाला फॉर्म तुमको अगर कॉपी है तो कॉपी निकाल लो। ये वाला फॉर्म हम बताएं, इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, हम बोले थे कि dx डिवाइडेड बाय a प्लस b sin x या फिर dx डिवाइडेड बाय a प्लस b cos x और या फिर dx डिवाइडेड बाय a sin x प्लस b cos x प्लस c। तुम देख लो जब इंडेफिनिट लास्ट हो रहा था उस समय ये तीनों फॉर्म लिखवाए और हम लिखवाए थे कि अगर ये वाला फॉर्म हो तो साइन एक्स की जगह टेन एक्स में चेंज कर देते थे, कॉस एक्स को भी टेन एक्स में चेंज करते हैं। यहाँ कॉस एक्स ही तो है, मतलब कॉस टू एक्स है, उसको टेन में बदलना है, काम हो जाएगा तुरंत। टेन में कैसे बदलते हैं? तो टू इंटू पाई बाय 4 हो गया पाई बाय 2 और जीरो से पाई बाय 4 और dx डिवाइडेड बाय cos 2x को रख देंगे हम 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। जिसको भी कॉपी याद है वो 2023 का क्वेश्चन है, कत्तो बोले को भारी आया है तो मेरे बोलने से क्या हो जाता है, नहीं समझने बात को कि भारी आ गया, भारी क्या है, तुम पढ़े ही नहीं तो कोई टीचर थोड़ी पढ़ देगा तुम्हारे, करते रहो सबसे। इसके बाद सॉल्व कर देते हैं इसको, इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर इसमें 2 में इंटू कर दो तो पाई बाय 2 इंटू 0 टू पाई बाय 4 इस 1 प्लस टेन स्क्वायर इधर इंटू कर देते हैं तो dx डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और ये जो नीचे वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर है ये sec स्क्वायर हो जाएगा, ये sec स्क्वायर है कि नहीं, कहां चल जाएगा ऊपर, तो डायरेक्ट हम यहां पे sec स्क्वायर एक्स लिख देते, तुम भूल जाओगे कहां, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स क्यों sec स्क्वायर एक्स लिख दी, क्योंकि टेन को हम नहीं मानने वाले हैं तो sec स्क्वायर एक्स डीटी होगा, मन में हमेशा चलते रहे ना अगला स्टेप। तो ये हो गया पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 4 sec स्क्वायर एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाय, अब देख लो इसको सॉल्व करके, ये हो गया 2 इंटू 1 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा कॉन्स्टेंट, फिर 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 tan स्क्वायर एक्स तो प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब यहां से तुम अगर tan को t मान लो तो sec स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो क्वेश्चन चेंज कर दो तुम, पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 4 ऊपर वाला dt नीचे वाला 1 प्लस 3 t स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि नहीं, इसका फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं बताओ, नहीं जानते हो, नहीं जानते तो धन्य हो तुम। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, t का लिमिट बदल देते हैं, x की जगह 0 है यहाँ 0 रख दो तो tan 0 0 होता है तो t 0 आ गया, x की जगह पाई बाय 4 रख दो तो यहाँ t 1 हो जाएगा, तो लिमिट भी t से 0 से 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत, आसान हो जाएगा। तो ये हो गया पाई बाय 2 0 टू 1 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3 t का स्क्वायर,
तो dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है कि नहीं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाय a पहला, तो 1 बाय a तो 1 ही है तो हटाइए 1 बाय 1 tan इनवर्स x बाय a, तो x की जगह रूट 3 t है, a है 1 और t का जो कोफिशिएंट है वो 1 बाय रूट 3 है, इससे डिवाइड कर देना क्या, अब इसमें लिमिट क्या रख दोगे 1 और 0, तो 1 अगर यहां t की जगह रखोगे तो tan इनवर्स रूट 3 होगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 रूट 3, 1 रखने पर ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 मतलब tan रूट 3 कहां होता है 60 डिग्री पे, पाई बाय 3 माइनस इसमें t की जगह 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 0 ही हो जाएगा, तो ये हो गया तुमको पाई इनटू पाई, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बोलिए पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6√3। इस साल का क्वेश्चन हम तुमको, तुम बता दो खाली कि ये क्वेश्चन क्या, तुमको इस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं बताया गया ये वाला चीज कितना हजार पर किया है, कहीं गलती उलती है तो बता दो, सही लिखें।